अगर हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो इस वीडियो के जरिए आज हम आपको बता रहे हैं कि सिंगल होने पर आप क्या कर सकते हैं। अकेले बैठकर अपने पुराने पलों को याद करके रोना दिल को तकलीफ ही देता है। ऐसे में खुद को खुश रखने और बेहतर फील करवाने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सिंगल रहते हुए आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कुछ एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ये वो मौका होता है जिसे किसी को भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। रिलेशनशिप के खत्म होने पर सिंगल रहना अच्छी बात है। सिंगल होने पर आप सोच सकते हैं कि अब आगे की जिंदगी में आपको क्या करना है और आप क्या चाहते हैं। ये एक अवसर होता है जो खुद को जानने का और खुद को पहचानने का। तो फ्रेंड, सिंगल होने पर क्या करे? ना अनुभव ले। जिंदगी में अनुभव लेना बहुत ही जरूरी होता है। आप चाहे जिस भी रास्ते पर चले, वहां पर आपको कई तरह के अनुभव जरूर मिलते हैं। जब आप कई तरह की चीजों को अनुभव करेंगे तो आपके दिल को उससे खुशी मिलेगी। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश होना चाहते हैं और संतुष्ट रहना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए यही सबसे सही वक्त है। कभी कभी अपनी खुशी ढूंढने के लिए आपको बाहर निकलकर कहीं दूर जाना पड़ता है। आप जिस रास्ते पर भी चलेंगे आपको वहां एक नया अनुभव मिलेगा। दूसरा है, कोई बदलाव लाए। किसी भी रिश्ते को खत्म होने पर आपको अपनी जिंदगी में कोई बदलाव लाना चाहिए। बदलाव लाने से स्वभाव और व्यवहार में काफी सकारात्मक आती है। जो आपको मन करे वो करे। बालों को कलर कर ले, घर बदले या फिर टैटू बनवाए। बदलाव से आपके दिल को सुकून मिलेगा। और तीसरा है, पता करें कि आप क्या चाहते हैं। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। अगर अब तक आपको इसका सवाल जवाब नहीं मिला है तो बेहतर होगा कि आप इस वक्त ये काम कर ले। खुद पर ध्यान दे और जिंदगी में आगे बढ़ने का इससे अच्छा समय और कभी नहीं होगा। अगर ये मालूम होगा कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए तो आप बिना किसी देरी के उसे पाने की कोशिश कर सकते हैं। सिंगल होने के नाते आप दूसरों को छोड़कर खुद पर ध्यान दे सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। कुछ नया सीखे। अगर आप लंबे समय से कोई कोर्स या क्लास ज्वाइन करना चाहते थे तो उस काम के लिए ये समय बिल्कुल सही है। आप चाहे तो कुकिंग भी सीख सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जो भी आपको पसंद है वो सीखने में अपना समय लगाए। ज्ञान और सीखने से आपको आगे चलकर अपनी जिंदगी में बहुत मदद मिलेगी। और लास्ट में है कि अपने जीवन के लक्ष्य तैयार करें। अपने लिए कोई लक्ष्य तैयार करें और इसे हासिल करने की कोशिश में लग जाए। उसे पाने की कोशिश करते करते उसमें एक दिन आप सफलता जरूर मिलेगी। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी कहाँ जा रही है और आप इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। अगर आप किसी को डेट नहीं कर रहे हैं या सिंगल है तो उस समय आप ये 6 काम जरूर कर सकते हैं। याद रहे, सिंगल रहना कोई दुख की बात नहीं है, बल्कि ये तो एक अवसर है जो अपने बारे में सोचने का। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या फिर सुझाव है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। और आगे भी इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।